दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग खुश रहिए। और दोस्तों, 2019 में आप में से बहुत लोग अच्छे से जिए होंगे अपनी लाइफ, लेकिन बहुत से लोग कष्ट में जिए होंगे लाइफ। लेकिन आप सबके मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ होगा, अपने मन में नए नए सपने सजाए होंगे कि 2020 में हम नया कुछ करेंगे। तो दोस्तों, आप भगवान का नाम लेकर शुरुआत करिए, मेहनत करिए, आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। दोस्तों, नया साल आने वाला है, लेकिन बहुत कुछ बदलने वाला है। हम आपको उसी सबसे अवगत कराएंगे। बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए 10 बड़ी खबरें हम लेकर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको रेल यात्रा की ओर ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए, साफ साफ दिया हुआ है, नए साल में बढ़ सकता है रेल का किराया। जी हाँ, रेल मंत्री की ओर से बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। चंद मिनटों में मिल जाएगा आपका चोरी हुआ मोबाइल। जी हाँ, लॉन्च हुआ पोर्टल। गवर्नमेंट की तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च हुआ है, जिसके माध्यम से आपको मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो चंद मिनटों में आप अपने मोबाइल का पता लगा लेंगे। इसके साथ साथ आप अपने मोबाइल को ब्लॉक भी कर पाएंगे। जी हाँ, चोर उसको किसी तरह का यूज नहीं कर पाएगा, ना ही बेचकर उसका फायदा उठा पाएगा। तो दोस्तों, ये 2020 आप लोगों को खुशियों भरी सौगात देने वाला है। तो दोस्तों, देख सकते हैं, चलते हैं अब अगली खबर की ओर, जो कि आप लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सुनेंगे तो पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। दोस्तों, ये रही अगली खबर, ये तो आपको पूरी तरह से खुश कर देगा। 2020 के लिए आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है गॉड की तरफ से। जी हाँ, यूपी में तेल का खजाना। जी हाँ, शाहजहांपुर और लखीमपुर में जमीन के अंदर तेल मिलने की आशंका है, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। जल्द कुएं की खुदाई होगी और आपके सामने तेल का कुआं मिल जाएगा। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहाँ ईरान और इराक से तेल आता था, वहीं अब अपने यूपी में तेल पाया जाएगा। कितना बड़ा विकास होगा, वहाँ के लोगों की चांदी चांदी हो गई। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइंस में साफ साफ आपके सामने है, यूपी में तेल का खजाना। शाहजहांपुर और लखीमपुर के 14 गांव में तेल गैस मिलने की संभावना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, शाहजहांपुर और लखीमपुर के 14 गांव में हाइड्रोजन कार्बन तेल और गैस मिलने की संभावना है। इसके लिए सरकार ने वेदांता लिमिटेड को जिम्मा दिया है। कंपनी के अधिकारी जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों संग मीटिंग कर रहे हैं। कंपनी करीब 6-9 महीने तक सर्वे करके कुएं खोदने के लिए स्थान चिन्हित करेगी। कंपनी को विभिन्न विभागों की अनुमति लेनी होगी। अब यूपी में महालक्ष्मी की छाया छत्र पूरी तरह से बनी हुई है। अब यूपी के लोग मालामाल होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस खबर को शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जी हाँ, और पक्की खबर है, इसको फेक मत मानिएगा, ये रियल में है। आप दोस्तों देखते हैं आप लोग कितना शेयर करते हैं। सभी को ये खुशियाँ देना आपका कर्तव्य है। 2020 में ये खुशी सब तक पहुंचनी चाहिए। और दोस्तों, कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अगर मोबाइल फोन ना हो तो कैसा जीवन रहता है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। मानो कि अंधकार आ गया हमारे जीवन में, कुछ नहीं है, शून्य हो गया है। जी हाँ, स्मार्टफोन और यहाँ तक कि नेट अगर बंद हो जाए तो मान लो कि अंधेरा हो गया हमारे जीवन में, आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब आपको ये सुनने में आ जाए कि आप हाई स्पीड से सारी चीज़ें सर्च कर पाएंगे, तो दोस्तों आपके अंदर खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। जी हाँ, भारत में 5G फोन लॉन्च होने वाला है जनवरी में। 7 जनवरी को भारत में रियलमी X50 5G फोन लॉन्च होगा। जी हाँ, अगर आप लोग अभी फोन लेने का मन बनाए हो तो अभी रुक जाइए, 7 जनवरी तक आप 5G फोन का लुत्फ उठा पाएंगे। दोस्तों देखिए, अगली खबर है आपके सामने, जो कि आप लोगों को और खुश कर देगा। जियो ने की नई घोषणा, सिर्फ 1 लाख लकी लोगों को ही मिलेगा 5G फोन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग बैंक का कार्य अपना खत्म कर लिए होंगे, क्योंकि जनवरी में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। ये आपके सामने जानकारी है, बैंक हॉलीडेज 2020 जनवरी में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। यहाँ देखें छुट्टियों की लिस्ट। जी हाँ, आपके सामने छुट्टियाँ यहाँ पे है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। दोस्तों, ये रही अगली खबर आपके सामने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ATM से रिलेटेड है। 1 जनवरी 2020 से बदलेंगे ATM, PF और बीमा के नियम, जानिए 11 बदलाव। नए साल में चंद घंटों का समय शेष है। 1 जनवरी 2020 से आपकी जीवन से जुड़ी कई सेवाओं के नियमों में बदलाव हो रहा है। PF, बीमा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 बदलाव वाले नियमों को। जी हाँ, नकदी के लिए लगेगा OTP। जी हाँ,
मिली राहत। जी हाँ, 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक कराना आवश्यक था। जी हाँ, देख सकते हैं, नहीं तो लगेगा दोगुना टोल। 15 जनवरी के बाद NH से गुजरने वाली गाड़ियों में फास्टैग आवश्यक होगा। PF में भी बदला नियम, कर्मचारी भविष्य निधि में नियम का बदलाव हुआ है। अब कर्मचारी ही PF का अंशदान कर सकेंगे। बीमा में महंगाई के साथ राहत। IRDA ने चेंज लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है। सस्ते होंगे कर्ज। SBI ने रेपो रेट से जुड़े कर्ज का ब्याज 0.25% घटाया। चिप वाले ATM 31 दिसंबर तक पुराने डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले कार्ड से बदलवाना आवश्यक है। NIFT पर नहीं लगेगा चार्ज। 1 जनवरी 2020 से अब बैंकों में NIFT के जरिए लेन देन पर शुल्क नहीं चुकाना होगा। जरूरी होगी हॉलमार्किंग। रुपए कार्ड और UPI से लेन देन पर MDR चार्ज नहीं। आधार से GST रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपके सामने ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है 2020 में। फटाफट ये जानकारी लोगों तक शेयर करिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके लाइफ से जुड़ी जानकारी है। 2020 में आपके बैंक अकाउंट से ATM तक बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, सब नियम कायदे से सही तरीके से सारी चीज़ों को समझिए और फटाफट ये सारे काम कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोगों को फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।